भागलपुर से हमारे साथ संवाददाता श्यामानंद सिंह। विकास विभाग ने मुख्यालय आदेश के अनुसार भागलपुर कोतवाली थाना का निरीक्षण किया। कई केस एवं जनता दरबार में आए ग्रामीण की बैठने की सुविधा नहीं है एवं कई मुख्य निर्देश जारी किए। सर मतलब किस तरह के इंस्पेक्शन पे ये पुलिस मुख्यालय से इंस्पेक्शन मिली है सभी को आईजी डीआईजी एसपी एसपी अपने अपने क्षेत्र में एक एक थाने का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण में स्पेशली जो माननीय मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी उसमें जो बिंदु दिया गया था उसकी कंप्लायंस की क्या स्थिति है उसकी जाँच करेंगे। इसी क्रम में मैं उपस्थित हूँ कोतवाली थाने पर। बाकी पदाधिकारी भी पूरे रेंज में जोन में अपने अपने क्षेत्र में जाँच कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्थिति देखी गई वो लगभग संतोषजनक है। कुछ बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है इसके लिए हम कर रहे हैं। कुछ दिशा निर्देश इसमें जैसे मुख्य रूप से हम लोग ये देख रहे हैं जो मद्य निषेध है उसकी कार्रवाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। थाने में आगंतुकों के बैठने की क्या स्थिति है, उनके लिए जगह है नहीं है, थाने की अपनी जमीन है या नहीं है, दो गाड़ियाँ थाने में है या नहीं है, अनुसंधान और विधि व्यवस्था के काम अलग अलग किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। जैसा इस ज़िले में कई थानों में अलग अलग टीम बनाई गई है और कार्रवाई की जा रही है उसकी भी हम जाँच करें। केस निष्पादन पर भी सब कुछ केस निष्पादन वारंट ये सभी बिंदुओं पर विचार इसे अलग पसराहा थानेदार आशीष सिंह की जो हत्या है कि उसकी आप चिंता करेंगे सर अभी तक दिनेश मुंडू पकड़े नहीं गए हैं। इसमें अलग अलग जिलों की टीम लगी हुई है काम कर रही है। मुझे उसका पर्यवेक्षण करने का दायित्व मिला है उसके अलग हम कार्रवाई की मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ही कार्रवाई। सर कल पंकज मुनि की गिरफ्तारी उसमें कुछ खुलासा क्या पुलिस अपना काम कर रही है बहुत जल्दी ही।